कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका में दिए बयान और कुछ तस्वीरें खूब चर्चा में है। सिख समाज पर दिए बयान को लेकर मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक हरदीप सिंह डंक ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा और कहा राहुल गांधी विदेश में जाकर सिर्फ झूठ बोलते हैं। हरदीप सिंह डंग ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ विवाद खड़ा कर देते हैं। उनका कहना है कि देश में पगड़ी और कड़ा पहनने वालों को डर लगता है, लेकिन ये सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। भारत में सिखों को कोई डर नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से पहले साल 1984 याद करना चाहिए, जब हाथ में कड़े और पगड़ी पहने कोई दिखता था तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। और कुछ महीनों से और सालों से लगातार राहुल गांधी जी जब भी देश के बाहर जाते हैं तो भारत को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश उनके द्वारा जो की जा रही है वो तो एक अपने आप में सभी पूरे भारतवासी जानते हैं कि जब भी जाएंगे तो भारत के खिलाफ वो जो अपने वक्तव्य देते हैं तो हमें एक शर्म आती है कि इतना बड़ा लीडर जो प्रतिपक्ष का लीडर हो और भारत की छवि के लिए ऐसे बोल के आते हो। और उसमें महत्वपूर्ण एक घटना जब घटी है कि जब सिख समाज के लिए जब उन्होंने ये शब्द कहे कि वहां पर पगड़ी कड़ा और कृपाण पहनने वाले को डर लगता है, तो आज इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे सिख समाज में जो नाराजगी है कि यहाँ पर ये भारत की धरती वो धरती है जहाँ पर सरदार शब्द को सरदार जी के रूप में बोला जाता हो और इतने मान सम्मान से पगड़ी को देखा जाता हो, कड़े का सम्मान किया जाता हो, कृपाण का सम्मान किया जाता हो, और राहुल गांधी जी जो विदेश में रहते हैं उनकी भावनाओं को भड़काकर देश में जो आपस में लड़ाने का काम करने जा रहे हैं, तो हम सिख समाज की तरफ से निंदा करते हैं।